अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग अगेन। अच्छा जी, आज नेक्स्ट डे है और मुस्तफ़ा रेडी हो चुका है। बहरहाल जी, अभी प्लान बना था, ये जो वॉल क्लॉक है ना, इधर एक नेल लगाया है, अब इस जगह पे वॉल क्लॉक अपनी हैंग करते हैं। ये चीज़ चलो जी, इधर इस जगह पे लग गई है क्लॉक, और आई थिंक देखने में काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है। मैं देख रहा था तो में ये लग रही है, मेरे और ये नीचे भी पड़ी हुई है। नाइस। और इस जगह पर भी ये सामने बहरहाल जी सबसे ये ठीक हो गया। अभी अंदर चलते हैं और मैं ज़रा रेडी हो जाऊँ, आज देखते हैं क्या एक्टिविटीज़ करेंगे। अच्छा जी, आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि मुस्तफ़ा जो है काओ की तरफ देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा था। अभी ये सामने मुर्गी आई है, सेम इस तरह मुर्गी को देख रहा था। मुस्तफ़ा लुक चिकन एंड देखो ज़रा कैसे देख रहा उसे। तमीना जो है रेडी है और अभी हम जा रहे हैं पार्लर, क्योंकि तमीना ने अपना कह लो कि हेयर कट करवाना है। तो बहरहाल दिल भाई, हम थोड़ी देर में आते हैं, अल्लाह हाफिज। चलो ज़रा चलते हैं, वैसे गर्मी बहुत ज़्यादा। इधर डिफरेंट शेड्स हैं, तो तमीना अभी यहाँ पर आई थी पूछने के लिए कि कौन सा करवाऊँ, तो ये 4.56 मीडियम रेड ब्राउन ये चूज़ किया है। तो अभी ये करवाने लगे हैं कलर तमीना का। इसकी क्या प्राइस है? इसकी क्या प्राइस है? ठीक है, इसकी क्या प्राइस है? मिरर है, न्यू मॉडल के लिए कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी वो ले आया हूँ, और उसके अलावा अभी वापस गारा आ गया हूँ। तमीना जो है उसको मैं ड्रॉप कर आया हूँ फॉर द हेयर कट एंड द हेयर कलर पार्लर पे रही। बहरहाल अभी तमीना का वेट करते हैं, उसके बाद देखते हैं और क्या किया जाए। सो स्टे ट्यून्ड। और अभी मैं जुगनू सैलून आई हूँ और मैंने हेयर कलर करवाना है और कटिंग भी करवानी है। आज सैलून तो काफ़ी बिजी है, मुझे लग रहा है काफ़ी टाइम लगेगा यहाँ पे, 3 से 4 घंटे तो यकीनन लगेंगे। उसके बाद मैं जैन को बुलाऊँगी, जब मैं यहाँ से फ्री हो जाऊँगी तो जैन मुझे लेने आएगा। अच्छा जी, ये गलियों के अंदर जो ट्रालियों वाला सिस्टम है ना, ये मुझे बहुत बुरा लगता है। एक तो ये गलियों में आते हैं, लोगों के स्टेयर्स जो हैं वो तोड़ देते हैं, और दूसरा ये इस तरह के ना गंद जो है काफ़ी ज़्यादा डाल जाते हैं। इनको मना भी किया गया था कि लाइक दूसरी सीट यूज़ करो, बहुत ज़्यादा बड़ी सीट है, लेकिन फिर भी आ जाते हैं। बहरहाल ये राजा साहब बाहर आए हैं, राजा कल आया था वापस, और ये रहा अरसलान। और चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको, लेमन नींबू ये सही यहाँ पर लेकिन लिखे नज़र आओ। अच्छा जी, अभी 2 आवर्स के बाद तमीना का दोबारा मैसेज आया कि वो रेडी है, हेयर कट भी हो गया, हेयर कलर भी हो गया, तो अभी आज उसे ले जाऊँ। तो अभी मैं वहीं देख आया हूँ, अभी उसका वेट कर रहा हूँ। और तमीना इज फाइनली हियर विद द न्यू हेयर कट, लुक्स नाइस। अच्छा जी, अभी हम जेलम की मशहूर बड़े मियाँ सर्विस पर आए हैं। तमीना को काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी, तो तमीना ने कहा उसे कुछ खाना है, तो ले आए उसे यहाँ पर। मैंने कहा समोसा चाट जहाँ की ट्राई करो, तमीना ने पहले नहीं ट्राई की, इनके पास भी काफ़ी ज़्यादा मेन्यू है और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं इन्होंने इंक्लूड कर ली हैं अपने मेन्यू में, पहले इतना नहीं था। अच्छा जी, अभी हम रात के टाइम इधर घूम रहे हैं जेलम मेन बाज़ार में, मुस्तफ़ा मेरे साथ ही है और तमीना भी आई हुई है। आज प्लान बना था ज़रा मेन बाज़ार में जाके शॉपिंग करें। क्या हुआ मुस्तफ़ा? अच्छा जी, अभी हम इस जगह पर मेन बाज़ार में आ गए हैं,
और प्लान ये है कि यहाँ पर भी थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे, नदीम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इसके पास जाएंगे। और उसके अलावा कल हमारा प्लान है इस्लामाबाद गीगा मॉल जाने का, तो नेक्स्ट व्लॉग आपको गीगा मॉल का नज़र आएगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। हम यहाँ पर शॉप में आए हैं शॉपिंग करने और इस बच्चे को अपनी पड़ी हुई है। मुस्तफा ये क्या कर रहे हो? चलो